फोर ग्रेट इन्वेंशंस वो चार महान आविष्कार हैं जो चाइना के द्वारा 9वीं शताब्दी में पूरी दुनिया भर को दिया गया था। वो चार महान चीज क्या हैं जो चीन ने आविष्कार करके हम मनुष्यों को दिया है? वो है बारूद यानी गन पाउडर, पेपर, कंपास और प्रिंटिंग। इन चारों में से बात करते हैं गन पाउडर यानी बारूद की। 9वीं शताब्दी में चीन के एक व्यक्ति ने तीन पदार्थों के मिश्रण से कोयला, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट की मदद से एक ऐसे पदार्थ को जन्म दे दिया जो बहुत ही तेजी से था। बाद में यही पदार्थ आगे चल के गन पाउडर यानी बारूद के नाम से जाना गया। यहीं से शुरुआत होती है बंदूक के जन्म होने की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब 10वीं सदी में चीन के लोगों ने बांस के बने हुए गन का एक प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया था जिसमें एक खोखली बांस के अंदर ये बारूद भरा जाता था और इसी बांस के आगे की ओर कुछ तीर भर दिए जाते थे। पीछे से इस बारूद को आग लगा दिया जाता था जिसके बाद इसी बारूद की वजह से नुकीले तीर बहुत ही तेजी से बाहर निकलते थे। ये उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा खोज माना जा सकता था क्योंकि ये मनुष्यों के इतिहास और डोमिनेंस करने के तरीके को पूरे तरीके से बदलने वाला था। फिर क्या था, 13वीं शताब्दी में बांस की जगह अब मेटल ने ले ली थी। अब मेटल की एक खोखली नाली में बारूद भरकर तीरों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चीन तो बहुत पहले से ही पूरी दुनिया में व्यापार करता आ रहा था। 14वीं शताब्दी में सिल्क रूट के माध्यम से चीन द्वारा इजाद की गई ये टेक्नोलॉजी अब पूरे विश्व भर में फैल गई थी। जैसे ही 14वीं शताब्दी में बंदूक की ये टेक्नोलॉजी यूरोप पहुंची, यूरोप के लोगों ने इसे अपने ही तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेटल की नाली में बारूद भरकर उसमें छोटी सी मेटल की गोली भरना शुरू कर दिया और फिर इसी तरह यूरोप के लोगों ने बंदूक में पीछे हत्था बनाना भी शुरू कर दिया जिसकी वजह से उन्हें बंदूक को पकड़ने में आसानी हो। इस तरीके के बंदूक को एरक्यूबस कहा गया। लेकिन समस्या ये थी कि अभी भी बंदूक को चलाने के लिए बाहर से आग लगानी पड़ती थी, मतलब बाहर की ओर एक सुतली होती थी जिसमें आग लगाकर फायर किया जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बंदूकों में एक नया सिस्टम लाया गया जिसे आज हम ट्रिगर के नाम से जानते हैं। इसमें होता ये था कि बंदूक के क्लैंप के पास एक जलती हुई सुतली रख दी जाती थी जिसे नीचे एक ट्रिगर से कंट्रोल किया जाता था। ट्रिगर को दबाने पर जलती हुई सुतली बैरल में रखे बारूद से जा टकराती थी और बारूद में आग लग जाने के कारण से धातु की गोली बहुत ही तेजी से बाहर की ओर निकलती थी। इस प्रकार के बंदूक के सिस्टम को मैच लॉक सिस्टम कहा गया। लगभग 50 से 100 साल तक इसी सिस्टम में कई तरीके के अपग्रेडिंग किए गए यानी इस प्रकार के सिस्टम में स्प्रिंग लगाया गया और भी कई तरीके के प्रयोग किए गए। लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बंदूकों में बाहर से सुतली द्वारा आग लगाने के सिस्टम को खत्म कर दिया गया और व्हील लॉक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस व्हील लॉक सिस्टम में क्या था, बंदूक के ट्रिगर के पास एक व्हील सिस्टम बनाया गया था जिसे घुमाकर छोड़ दिया जाता था। बाद में ट्रिगर के दबाने की वजह से जब पहिया घूमता था तो इसमें लगे पत्थर की रगड़ की वजह से चिंगारी होती थी और चिंगारी से बारूद जलता था और फायर होता था। ये उस समय सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी बंदूक के इतिहास में। बाद में इसी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करके डॉग लॉक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ट्रिगर के पास लगे पत्थर से चिंगारी उत्पन्न करने के लिए एक कील का प्रयोग किया गया। कील को स्प्रिंग से खींचकर जब ट्रिगर द्वारा इसे पत्थर से टकराया जाता था तो चिंगारी बनने से गन फायर होते थे। समय था 1820 का जब दुनिया में एक ऐसे मटेरियल की खोज हो गई जिस पर थोड़ा सा भी दबाव डालते ही बहुत ही तेजी से जलने लगता था जिसका प्रयोग करके 1820 में ही कैपलॉक सिस्टम को लाया गया। इसमें क्या होता था, एक परक्यूशन कैप नाम की एक कैप नुमा संरचना होती थी जिसके अंदर एक शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे मर्क्यूरी फ्लूमिनेट भरा रहता था। बंदूक के ट्रिगर दबाने पर बंदूक पर लगा हैमर इस परक्यूशन कैप से टकराता था और हाईली फ्लेमेबल मटेरियल जलने लगता था और बैरल के अंदर भरी बारूद में भी आग लग जाती थी और गन फायर हो जाती थी। 19वीं सदी का आखिरी समय चल रहा था तभी बंदूक के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति हुई जब ब्रिजलोड सिस्टम दुनिया भर में आ गया था। इसमें होता था कि एक बुलेट मेटल की बनी हुई खोल से जुड़ा रहता था जिसके अंदर बारूद भरा रहता था। पीछे का हिस्सा परक्यूशन कैप का होता था और जब पीछे से हैमर द्वारा इस पर प्रहार होता था तो गन फायर हो जाती थी। और आजकल की दुनिया में जितने भी गन है सब इसी ब्रिजलोड सिस्टम से चलती है। इसी तरीके के सिस्टम में जिसमें बुलेट, परक्यूशन कैप और बारूद एक साथ होता है उसे कारतूस कहते हैं। और ये सारे सिस्टम, ये जो एडवांस सिस्टम है, ये दुनिया भर में यूरोप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है।